धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए एनएच प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। ये तेरा काम है बाबा, तेरे सर की कसम, अगर ऐसी बॉडी मेरी होती ना तो मैं सारे हिंदुस्तान की लड़कियों को हिला देता।
अलावा इतनी बड़ी जगह में उस कहानी ने नकली नोट छापने के टप्पे कहां छुपाए होंगे यार। अबे किसी लड़की का रुमाल होता ना तो तुझे एक मिनट में मालूम पड़ जाता। ये देख। ए बाबा अंकल बहुत खुश हो जाएगा। अंकल की तो निकल पड़ी बाबा। साले कानिया का चेहरा देखने जैसा होगा जब उसे ये टप्पा नहीं मिलेगा। अबे कानिया का चेहरा देखने तब लायक होगा जब उसे ये गोडाउन ही नहीं मिलेगा साला। अबे तू शादी में गुलाब छिड़क रहा है या पेट्रोल? अरे जल्दी कर बहुत भूख लगी। बाबा ये पेट्रोल भी बिल्कुल तेरी तरह है, देखने में एकदम पानी की तरह ठंडा, पता ही नहीं चलता इसके अंदर साली इतनी आग होगी है। और तुझे देखकर किसे पता चलेगा कि बंबई की सारी लड़कियां तेरे दो बाय दो दिल में भरी पड़ी हैं? ए नजर मत लगा, वैसे भी आजकल बंबई में लड़कियां कह रही यार, सारी की सारी पुतली भाई हो गई है। बाबा ये क्या कर रहा है तू? तू कितना तेज भाग सकता है? अच्छा मेरे साथ रेस लगाएगा तू? अरे तेरे साथ नहीं यार, इस आग के साथ। मौत के साथ रेस लगाना चाहता है? अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए, क्या कहता है? बाबा मगर ये आग बहुत ही खड़ूस होती है, साली पेट्रोल को छूता ही बुलेट की तरह निकलती है। अरे तो हम कौन से कम है, तू शोला है और मैं आतिश, क्या कहता है? हो जाए हो जाए। 1 2 ठीक है यार, लेकिन तेरे पास वो प्लेट्स है ना? प्लेट्स बाबा अपने पास ही है। एक कन्या, एक कन्या की मौत लगे रे। बाबा और नवाब ने हमारा गोदाम जला दिया दादा। किस्मत आप कहे तो मैं दोनों को उड़ा देता हूँ। मेरा छोटा भाई है, तेरे ऊपर ऐसे सैकड़ों को डाउन कुर्बान कर सकता हूँ मैं, तुझे इस लड़ाई में नहीं उतारूंगा मैं। अरे तुम चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? तू ऐश कर, खा पी, मैं बैठा हूं ना धंधे के लिए, तेरा बड़ा भाई। नवाब और बाबा अंकल की ताकत है सब जानते हैं, अंकल की कमजोरी क्या है सिर्फ कानिया जानता है। बाबा तुझे पता है अंकल की पसंद क्या है? सोना, मोना और मोना के साथ सोना। अंकल आप बाबा और नवाब से मेरी बात कीजिए ना। हाँ हाँ देखेंगे। अंकल मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आप ही का खून हूँ, आप ही के बिजनेस के अंदर एक मामूली से ड्राइवर की नौकरी करने से सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी तोहिन होती है। अंकल आप बाबा नवाब से मेरी बात कीजिए ना। देखो सनी, मुझे हर वक्त इस बात की फिक्र रहती है कि ऐसा न हो तुम्हारी किसी बेवकूफी से उन दोनों पर कोई आफत। ऐसा मैंने क्या काम किया अंकल? आ गए तुम लोग, ये हैं मेरे दो बाजू, मेरे दो शेर, बाबा
और नवाब। क्या बात है भाई, मुंह क्यों लटकाए खड़ा है? अंकल वो काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ? क्या मतलब प्लेटें नहीं मिली? जी नहीं। क्यों रे पाकिया, तू तो कहता था कि तेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। हाँ अंकल, प्लेट तो कानिया के गोदाम में ही थी। बात ये है अंकल, हमारे आने का पता कानिया को पहले से चल गया था। हम दो और वो 50 चारों तरफ से घेर लिया, प्लेटें छोड़कर किसी तरह जान बचा कर आया है। क्यों बाबा? अरे नहीं मिली तो नहीं मिली, तुम दो शेरों के ऊपर से ऐसी हजारों प्लेटें कुर्बान। कानिया को तो हम बाद में समझ लेंगे। क्या यार बाबा। अंकल ये झूठ बोलता है साला, ये रही प्लेट्स। अरे वाह बाबा वाह, शाबाश, मुझे मालूम था। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटे मैं तुम दोनों को पिछले 15 साल से जानता हूँ और 15 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी काम को तुम लोगों ने नहीं किया हो, समझे? अंकल वो मेरी बात याद है? याद है बाबा। ये गधा कहता है कि इसे भी बिजनेस में शरीक कर लो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अंकल, गधे को चाहे जितना सिखाओ वो कभी घोड़ा थोड़ी बन सकता है। हेलो। क्या बात कर रहे हैं बाबा? है? तुम्हारा फोन। हेलो। हाँ माँ, मैं आता हूँ। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ यार, वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। अंकल मैं निकलता हूँ, चल। अच्छा अंकल। क्या हुआ भाई? इसको भी अभी खराब होना था, चल देखते हैं। बाबा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार। सुनिए, क्या आपको वो आदमी इस होटल का कार पार्क करने वाला दरबान लगा? नहीं। तो आप अपनी गाड़ी ऐसे ही किसी भी अजनबी को दे देती हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार मिलने पे भी अजनबी नहीं लगते। मगर क्या आपको लगता है वो वापस आ जाएगा? वो आएगा, जरूर आएगा। छोकरी, गाड़ी, वारे ऊपर वाले, दरगाह पे दुआ मैं मांगता हूँ, देता सब कुछ उसको है। ठीक है माँ, तेरी तबीयत खराब है तू यहाँ बैठी। तबीयत खराब हो तेरे दुश्मनों की, मुझे तो एक ही बीमारी है, झूठ बोलने की। माँ तूने मुझे झूठी खबर क्यों भेजी? अपने आप से पूछ, तेरी शक्ल देखे हुए कितने दिन हो गए पता है? तू तो मेरे काम के बारे में जानती है। अच्छा काम है, मैं अभी चलती हूँ तेरे बॉस के पास और पूछती हूँ क्यों काम करवाता है इतना मेरे बेटे से। पैसे भी तो देता है माँ। आग लगी ऐसे पैसों को, कहने को तो मेरे दो दो बेटे हैं मगर पास में एक भी नहीं। एक वहाँ जाकर बैठा है पुलिस अकेडमी में, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। हफ्ते हफ्ते भर फोन तक नहीं करता। क्या अभी फोन नहीं करता? मैं अभी पूना जाकर उसके कान खींचता हूँ। रहने दे, जैसे तू हमेशा मेरे पास बैठा रहता है ऐसे ही अकेली पड़ी पड़ी एक दिन चली जाऊंगी और तुम दोनों को अपने काम से फुर्सत भी नहीं होगी मुझे कांदा देने की। माँ तू तो जानती है मैंने ये घर संभालने के लिए घर छोड़ा, अगर मैं ये घर छोड़ के नहीं जाता तो अभी को ये हक, उसे ये नई जिंदगी नहीं मिलती। मैं जानती हूँ अभी को उसका हक मिल गया, लेकिन तेरा हक
तूने तो मेरे आंचल की अपनी जगह भी उसे दे दी। अरे माँ, मैं उसे पूरी जिंदगी ऐश करने थोड़ी दूंगा। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ माँ, जब वो एकेडमी से आएगा पुलिस ऑफिसर बनकर और पैसे कमाएगा। लेकिन बाबा, तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए। मैं जानता हूँ माँ कि जो रास्ता मैंने चुना वो गलत है, लेकिन जिंदगी में जब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो तो क्या गलत और क्या सही कोई मायने नहीं रखता। मां, अभी की भूख और तेरे आंसुओं से मजबूर होकर जो रास्ता मैंने चुना, वो रास्ता मुझे कहां से कहां ले गया। मां मां, उस वक्त मैं एक बच्चा था, नहीं जानता था कि इस रास्ते से वापस लौटना कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मां, मैंने अपने गुनाहों का साया अभी पर नहीं पड़ने दिया, नहीं पड़ने दिया। तू वापस लौटा बाबा, तूने तो जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाई है। अब तू घर आ जा, तुझे मेरी कसम, खा मेरी कसम वरना तमाचा मारूंगी। मां, कसम खाऊं, तमाचा खाऊं या तेरे हाथों का खाना खाऊं? पहले खाना खा ले, चल। अरे ओ कादर भाई। कौन है भाई? आओ भाई। यहाँ भाई। अरे बाहर तो निकलो भाई। एक मिनट यार। अरे दर्शन तो दे दो गवर्नमेंट। तो ये आ गई गवर्नमेंट। किधर है? अरे इधर हूँ भाई। क्या कर रहे हो मेरी गवर्नमेंट? बेकारी में रेजगारी गिन रहे हो यार। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जन्नतुल मुकाम, दोज़खुल हराम, क्या हाल है मेरी जान? खैरियत है। कैसे आना हुआ? कादर भाई, वो आज मुझे भूख बहुत लग रही है। मैं जानता हूँ, जब आपको भूख लगती है तब आपको कादर भाई की याद आती है, वरना मेरे दरवाजे पे कौन आता है? नहीं, नहीं। क्या खाओ? कलेजा खिलाऊं? नहीं कादर भाई। दिल खिलाऊं? नहीं कादर भाई। कान खिलाऊं? नहीं कादर भाई। आंखें खिलाऊं? नहीं कादर भाई। आज भेजा खाने का मन कर रहा है कादर भाई। भेजा? मेरा भेजा पुलिस खा गई, तेरा कहाँ से खिलाऊं यार? मैं आपके भेजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बकरे के भेजे की बात कर रहा हूँ। बकरे के भेजा कहाँ होता? हाँ, एक बकरा मिला था भेजे वाला, मैं उसको काटने का तो हाथ जोड़ के बोला, नहीं कादर भाई आज मत काटो, आज मेरा एसएससी का एग्जाम है। क्या क्या करेगा एग्जाम देगे? एक दिन छुरी के नीचे तो आना ही है। नहीं माना, अभी तो कॉलेज के चक्कर कर रहे हैं। क्या बंडल मारते हो कादर भाई, कहाँ कॉलेज कहाँ बकरा। ये जो कॉलेज जाते हैं ये बकरे नहीं है, कभी नौकरी की छुरी के नीचे, कभी छोकरी की छुरी के नीचे। तो चलो एक ऑमलेट ही खिला दो। ऑमलेट? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत? दिखाऊं? आओ। वो क्या है? देखो हमारा गैस खराब हो गया है ना। अच्छा, ये आर पार और हमारा लाइट चला गया, इसलिए यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, बहरा सुनाई नहीं देता। अच्छा। एक मिनट। मालिक, हाँ आम खाओगे? आम मर जाऊं, सो जाऊं, हाँ लेट जाऊं, लेट जाऊं, मैं से जाऊं कट, लेट आम, लेट आम, लेट आम, लेट आमलेट, आमलेट खाओगे? तो सीधा बोलो ना, आमलेट लिया तेरी, जाता हूँ जाता हूँ। चल बैठ। कादर भाई ये वेटर आप छोड़ यार, ये तो मेरा रोज करोना है। ये बता बाबा कहाँ है? बस आता ही होगा। कसम से यार, तुम दोनों को साथ में नहीं देखता तो ऐसा लगता जिंदगी अधूरी हो गई है। मेरी बात मानना, जिंदगी में तूफान आए, कयामत आए, मगर कभी दोस्ती में दरार ना आने पाए। वादा? वादा। और मेरा भी वादा। ए सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और क्या खा रहा है? आम। आम लेट, लेट प्लास्टिक का। मगर तू क्यों खाने की बात कर रहा है? तू घर गया था ना, माँ ने पेट भर के खाना खिलाया होगा, थोड़ा सा मेरे लिए नहीं ला सकता था? मैं आकर घटिया खाना थोड़ी खाता हूँ, ये तो मैं गाको को खिलाता हूँ। क्या? अच्छा सुन, तू अपने भाई से मिला? नहीं अभी जा रहा हूँ, चलता है। आज मेरे दरगाह शरीफ जाने का दिन है। अरे बाप रे, भूल गया। देखा कादर भाई, भूल गया, एक दिन भाई के लिए दोस्त को भी भूल जाएगा। अरे होता है यार। क्या होता है यार, सोच एक दिन अपने भाई और अपने दोस्त में से किसी एक को चुनना है तो फिर क्या करेगा? मैं बताता हूँ ना क्या करेगा, पहले मैं डंडा लेगा, दोनों का सर फोड़ देगा। ऐसी बात करेगा तो क्या फोड़ देगा? सर। चलो जाओ दरगाह जाओ और दो मांगो। चलो कादर भाई, आपके लिए कुछ मांग लो। मांग ले? एक लुगाई मांग लो। लुगाई? हाँ मांग ले, भले 60 बरस की लुगाई हो मगर उस लुगाई के साथ 56 करोड़ की चौथाई हो। बस 56 करोड़। अबे तू जाना, बड़ा ही महाराज जैसे राजा के लाल। चल।
जानती है पूजा, घर पे तुम्हें पहले मिलना पड़ेगा मेरे भाई से। अगर भाई ने पास किया मतलब ओके, और अगर तुम्हारे भाई ने नहीं पास किया तो तुम एक दूसरा लड़का ढूंढना और मैं एक दूसरी लड़की, सिंपल। इतने डरते हो तुम अपने भाई से? अरे डरता नहीं हो यार, बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानते नहीं मेरा भाई कितना ऊंचा इंसान है, 6 फीट 2 इंच। अरे बुद्धू कद की कौन बात कर रहा है, 3 42 इंच, यही ना? हाँ, ये जाकर देखती हो उन्हीं का मारा हुआ, सही लगता ना? इसीलिए तुम्हारे ऊपर इतनी ढीली है। क्या बोली, ढीली है? हाँ ढीली है। बड़ी सिविलियन, हाथ गाड़ी पे, टांगे फैलाओ, तलाश लेना था मुझे। देखो एक बात समझ लो, मैं बहुत गुस्से वाला इंस्पेक्टर हूँ, कभी कभी मुझे भी अपने गुस्से पर डर लगता है। ओके ओ, 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 तुम्हारे हाथ में क्या है? जैकेट। चलो तलाशी तो लेने दो मुझे, और जैकेट में सुरंग। ओके ओके ब्लडी सिविलियन, घूमो। मैं ये देखने आया था कि तू ये एकेडमी में क्या करता है। अबे इतना बिजी हो गया है कि माँ से मिलने भी नहीं गया, फोन तक नहीं किया तूने। मगर माँ बहुत नाराज है तुझसे। मगर मैं क्या करूँ भाई, एक तो ये ड्रिल, ऊपर से पढ़ाई, कितना पढ़ना पड़ता है, ये मोटी मोटी किताबें, कभी तो मैं रात रात में पढ़ता हूँ मालूम, और ये जो ड्रिल है ना, इसने तो मेरी कमर तोड़ दी है भाई। आप जानते नहीं ये कितनी मेहनत और मुशक्कत का काम है। एक तो तुम्हारी लाइफ में टाइमिंग कमाल है यार। तो क्या हुआ? मैं इतने इंप्रेशन जमा रहा अपने भाई, अगर मेरी माँ को मालूम पड़ गया ना, क्या तो तुम समझती नहीं हो। अरे तुम्हारे घर नहीं आया यार। भाई भाई ये है पूजा, और पूजा ये है। हाय हाय। तो ये है तुम्हारी मोटी मोटी किताबें? नहीं मुझे तो खास मोटी नहीं लगी। और वो जो तुम रात रात भर मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, तुम्हें तकलीफ तो होती होगी। चलो मैं तुम्हें बॉम्बे ले चलूं। नहीं भाई नहीं भाई, भाई देखिए जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे फल नहीं मिलेगा। फल? जो फल तुम्हें मिला है वो तो मैं देख ही रहा हूँ। और हाँ, वो जो तुम कमर तोड़ ड्रिल की बात कर रहे थे, ये परेड की बात? हाँ पर परेड। अच्छा, आप उसे परेड कहते हैं, और आप क्या करती हैं? ओनली पार्ट टाइम भाई, वैसे ये पढ़ती है। मैं आपको भी पढ़ सकती हूँ, आपकी हाइट 6 फुट 2 इंच है, सीना 42 इंच है, आपको लाइट ब्राउन कपड़े पसंद है, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और आपको स्विमिंग बिल्कुल नहीं। बस बस पूजा नहीं। अच्छा भाई, ये नन्ही सी गाड़ी किसकी? आपकी तो नहीं हो सकती। एक प्यारे से दोस्त। हाँ प्यारे से की प्यारी सी? प्यारे से। एक्सक्यूज मी, आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। ये दुकान नई खोली है मैंने। कभी किसी फूल को फूल बेचते हुए नहीं देखा? सिर्फ देखेंगे या कुछ खरीदेंगे भी? मैं तो आपके सारे फूल खरीद लूंगा। कितने के हैं? यही कोई 4,000। एड्रेस बताइए, कहाँ भिजवाने हैं? आपका नाम? निशा। टू निशा, सी प्रिंसेस होटल। देखिए मुझे फूल नहीं चाहिए। अरे कसूर मेरा है, सजा फूलों को मिल रही है। सजा फूलों को मिल रही है और पसीना आपको आ रहा है। ये लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। पसीना लीजिए ना। अरे मैं बाबा की जगह होता ना तो उस छोकरी को सीधा उठवा लेता, और सीधा पार्सल। मैं तो बोलता हूँ बाबा खाली बोले क्या, अपन जाके पूरे खानदान को उठा के लाएगा क्या? अरे तड़ी पार सालो, इश्क विश्क तुम लोग क्या जानो, सीधा छोकरी के पास जाने का, बेबी चुम्मा देती है या क्या? डालो मैं तुम्हारी जात का फायदा मारू, निकल बाहर। अबे इधर क्या मुस्कुरा रहा है बहरा? दरवाजा इंग्लिश में गेट, बाहर इंग्लिश में आउट, गेट आउट, गेट आउट कौन? तो सीधा बोलो ना, इतने सब बोलने की क्या जरूरत है? तेरी जाता है ने साला। दिमाग चढ़ गया, तू भी लोग से कहां पूछता बैठा है यार, नर्वस हो रहा है क्या? हाँ कादर भाई, कादर भाई ये लड़की है ना बुलेट की तरह सीने में उतर गई। बेचती है फूल और मारती है गोली, इसीलिए कहते हैं लड़की जात का कोई भरोसा नहीं है। कादर भाई जब पहले टाइम गोली लगी थी ना
तब भी इतना दर्द नहीं हुआ था। मगर ये दर्द मीठा मीठा है ना। मगर ये बोल, इसके आगे क्या इरादा है? क्या मतलब? मतलब ये मामला रुमाल तक ही रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा। अरे आगे कैसे बढ़ेगा, आप तो जानते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे को भी तो कुछ नहीं आता, मैंने को तो 56 इंच की है यार। ए भाई कैसे भाई? सलाम अलैकुम कादर भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतनी इतनी उदासी क्यों है महफिल में? तो क्या भांगड़ा करेंगे बैठ? अरे आप भी। अरे ये तो लेडीज रुमाल है। लेडीज रुमाल, और वो भी भाई के हाथ में, हो ही नहीं सकता। अरे है ना। है तो फिर गिर गया होगा। कादर भाई जिसका है वापस दे दीजिए आप। ये गिरा नहीं, इसके हाथ में जबरदस्ती थमाया गया, हैंड टू हैंड। मगर क्यों? अरे बुद्धू, कोई लड़की अपना रुमाल किसी मर्द को क्यों देती है? नाक पोछने के लिए। हा? अच्छा, तो मेरे दिए हुए सारे रुमाल से तुमसे नाक पोछते हो? हाँ बताओ मुझे। अरे मेरी माँ, तुम्हारी लव स्टोरी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस लव स्टोरी को जन्म लेने दो पहले। कादर भाई इस पर तो किसी का नंबर है। अरे स्टूपिड, ये तो उसी लड़की का नंबर है। देखो अभी तुम खुद ही कुछ सोच लो भाई के लिए। कादर भाई चलो फोन लगाते, प्रॉब्लम ही नहीं कुछ उस लड़की को। और क्या, और फोन लगाया क्या बोलेंगे? आप बताइए ना मैंने क्या बोला था। मैं क्यों बताऊं, उससे पूछ। मैंने क्या बोला था? तुमने टाइम पूछा था, याद भी नहीं? हाँ करेक्ट, टाइम पूछेंगे। देखिए आप मेरी बात मानिए, आप उन्हें फोन कीजिए और मैंने क्या कहा था? तुमने मेरी कॉमिक मांगी थी। कॉमिक बुक मांग लीजिए। क्या बात, पहले कॉमिक बुक मांग लेना, फिर स्क्रू ड्राइवर मांगना, फिर दही का कटोरा मांगना, फिर लॉलीपॉप मांगना, इसी में 50 साल गुजर जाएंगे, ये लंबी लंबी जुल्फे निकल जाएंगे, अंदर से टकला निकल आएगा। अरे इनके चक्कर में मत पड़, खुद कुछ सोच। मैं ही कुछ करता हूँ, मुझे किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। कादिर भाई एक प्लेट फोन लाना। प्लेट फोन लाना, तड़का मार के दू? अरे फोन लाना है, फोन। सीधे बोलना, ये ले, और सीधे हिम्मत से बोलना, बस हो गया अभी, डायरेक्ट। हाँ शेर के जैसा। हेलो मैं बाबा बोल रहा हूँ, I love you। मैं कल तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ? कादिर भाई के रेस्टोरेंट। अरे ये होता है स्टाइल। ये होता है ना? चलो उठो, निकलो बाहर। चलो कादिर भाई, चलो कुर्सी गरम मत करो, चलो। अरे जियो, ये बात नहीं ना। तुम्हारा नाम मिशा है? आपको कैसे पता चला? वो आज पेपर में आया था कि जो लड़की इस दिशा में आएगी उस लड़की का नाम मिशा होगा। मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाऊं? चमत्कार? यही है, आओ आओ। अरे अपनी होटल आओ ना। ये वो चमत्कार है, ये निशा है। हेलो बोलो। हेलो। ये बाबा है। हेलो बोलो। हाय। हाय। ऐसा लगता मोहब्बत की क्लास चला रहा हूँ। कुछ खाएंगे आप? कुछ खाएंगे? जी नहीं। तो पूछो ना, कुछ खाएंगे आप? कुछ खाएंगे नहीं, नहीं। कुछ पियेंगे आप? कुछ पियेंगे नहीं, थैंक यू। तुम पूछो ना, कुछ पियोगे आप? कुछ पियेंगे नहीं। अबे तुम्हारी साले खाते पीते कुछ नहीं, मेरा टाइम खराब करते, निकल बाहर, चल बाहर, चल बाहर जाके घूमो गार्डन में, चल हट। जी 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 जी, कमाल इंसान है यार, 20 आदमियों के दांत अकेले तोड़ सकता है, एक लड़की से बात नहीं कर सकता है। अजीब लगता है क्या कि मैंने अपने दिल के आसपास इतना मजबूत किला बना रखा था, जिसे एक फूल वाली ने एक मिनट में तोड़ दिया। किला बनाया क्यों था? चोट से बचने के लिए। जो तलवारों से बच जाते हैं वो अक्सर फूलों से कट जाते हैं। अरे आजकल की लड़कियां भी बाबा लोग के साथ घूमने जाती हैं,
अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में ये गोद के बच्चों के साथ घूमने जाया करेंगे। अरे कभी हम जैसे जवान मर्दों के साथ भी घूमने जाया करो तो पता चले कि मर्द क्या होता है। Papa Black Sheep, have you any wool? ये शाम बहुत छोटी रही। इतने लालची भी मत बनो, ये शाम कल भी आएगी। कल तो बहुत दूर है। बस आज यहीं तक। अब तुम घर जाओ। बाय। बस अब तुम घर जाओ। अरे तुम्हारे होठों पर कुछ है। अब दया लो तुम ही साफ कर दो। साफ हो गया? नहीं अभी और है। बस जाओ तुम अब। बाय बाय। Thank you.
अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारी शर्ट गीली है ना, सुखा देती हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। ये क्या हुआ तुम्हें? ये हा? ये बचपन में मैं अभी के लिए पतंग पकड़ रहा था, छत से गिर गया और ये तीन पसलियां टूट गई, ये देखो। अच्छा, बचपन में तो मुझे भी लगी थी, साइकिल से गिर गई थी, देखो। ये देखो, यहाँ देखो। कहाँ? हाँ, अरे बाप रे। और ये पीठ पे? अरे पीठ पर तो मुझे भी जख्म है, देखो। दिखा? कहाँ? वहाँ नीचे, वहाँ बाबा नीचे। दिखाई नहीं दे रहा। क्या कर रहे हो? ओ ये। मैं आ रहा हूँ। ओ, 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 अब भाई मैं जा रहा हूँ। पहले ये बता कि तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? कादर भाई ने। कादर भाई ने? अच्छा अच्छा। निशा हा? ये मेरा छोटा भाई है अभी। हाय। और ये इनकी पढ़ाई है पूजा। बहुत पढ़ता हूँ डेली। हाय पूजा, मैंने कहा था ना कि आप बॉडी है मेरे भाई की, इसकी बाजू भी सेक्सी, इसकी टांगे भी सेक्सी, इसकी बैक भी सेक्सी है। चुप। क्या चाहिए तुझे? पैसा? नहीं नहीं, पैसे तो बहुत है। तो फिर? नहीं भाई, एक्चुअली क्या है कि एक क्लब खुला है, बैक पैपर्स क्लब, तो हम लोग सोचा वहाँ जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, तो हमारे साथ साथ आपकी भी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। मगर आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम लोग चलते हैं। एक मिनट, ईशा चलोगी? हाँ हाँ चलो चलते हैं, बस दो मिनट कपड़े बदल के आती हूँ। तो भाई आप भी कपड़े पहन लीजिए। क्यों? नॉट अ बैड आइडिया। ओह यस। अच्छा जाना कहाँ है? बैक पेपर्स क्लब। मेरी मोहब्बत का
तो क्या कह रहे हैं नवाब? हाँ बाबा, ये सब सच है। पकिया ने तेरे अभी के लिए कानिया से सुपारी ली है। हमसे प्लेट वापस लेने के लिए उस कमीने ने ये चाल चली है। पाकिया जानता था कि अभी बाबा की सबसे बड़ी कमजोरी है गद्दार नमक हराम। बाबा तू फिक्र मत कर, अभी को कुछ नहीं होगा। ले बाबा, काट डाल साले को।
नीचा निशा निशा दरवाजा खोलो। क्या काम है? मुझे तुमसे बात करनी है। तो नहीं हूं। दरवाजा खोलो निशा। क्या बात है? Don't touch me! मत छुओ मुझे! I hate you! Get out! निशा मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें एक सहारा समझती थी, मगर अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मुझे ये सोचकर भी घिन आती है कि मैंने तुम्हें अपना बदन कैसे चुने दिया। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। निशा, निशा मेरी बात तो सुनो निशा। चले जाओ। Don't even touch me! You're an animal! तुम खूनी हो। निशा मेरी चले जाओ। तुम चले जाओ। निशा मेरी बात तो सुनो निशा। कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कुछ नहीं। निशा मेरी बात सुनो। नहीं चले जाओ। निशा मेरी बात सुनो निशा। तुम चले जाओ यहाँ से। I hate you. I hate you. तुम क्या समझती हो? ये दुनिया एक फूल की दुकान है, कपड़ा है, गाड़ी है। तुमने कभी अपने भूख को खा के देखा है? कभी अपने आंसुओं को पीकर देखा है? बोलो, जवाब दो मुझे। मैंने देखा है, मैंने। ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम खूनी हो। हाँ हाँ, मैं खूनी हूँ, दरिंदा हूँ। तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूँ मैं। लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी। अच्छा बजाता है। कब सीखा? बचपन में। लेकिन पहले तो कभी तुझे बजाते हुए नहीं सुना? जिस दिन ये पिस्तौल मेरी जिंदगी में आई, मेरे हाथों से ये मौतोगुन छूट गया। तब का छूटा कल मिला। इतने दिनों का छूटा फिर भी भूला नहीं? मैंने भी सोचा कि मैं सब भूल गया था नवाब, लेकिन जब ये मौतोगुन मेरे हाथों में आया तो मुझे सब याद आ गया। और मेरी सांसें इस मौतोगन का इंतजार कर रही थी। अबा, ये माउथ ऑर्गन और गन दोनों में एक ही लोहा लगता है ना? फिर भी इन दोनों में कितना फर्क है? मेरे लिए अब गन पकड़ना आसान नहीं होगा नवाब। क्या बात करता है यार? उधर अंकल ने तेरे को काम के लिए बुलाया है और तू बोलता है मेरे लिए गन पकड़ना आसान नहीं होगा। ये मेरा आखिरी काम होगा नवाब, मैंने सोच लिया है। अच्छा, तूने सोच लिया? कभी ये सोचा है कि इसके अलावा क्या करेगा? नहीं। मैं तेरे को आइडिया दूं क्या? जनाब सड़क के किनारे बैठकर मौतोगन बजाएंगे और मैं आने जाने वालों से भीख मांगूंगा। तेरी दोस्ती मेरा प्यार। नाटक नहीं, चल अंकल ने बुलाया है। चल। चाली नोटों की वो प्लेटें जो तुम उसके गोडाउन से उड़ा लाए थे, वो अब हमसे खरीदने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि सौदा यहाँ नहीं, कहीं और किया जाए।
लेकिन अंकल आज तो नवाब के दरगाह जाने का दिन है। अरे हाँ, ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसी ने आज का टाइम फिक्स किया था ना। बड़ा बोलता है धंधे का काम दो, धंधे का काम दो। ओए, तुझे पता नहीं था आज मेरे दरगाह जाने का दिन है? मैंने अंकल से कुछ नहीं बोला। अरे रहने देना यार, अंकल मैं अकेला चला जाऊंगा। बाबा तेरा अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कम से कम सनी को साथ ले जा। क्या ये उल्लू का पट्टा जाएगा बाबा के साथ? क्या अंकल, नवाब की जगह लेने के लिए आपको सिर्फ यही एक गधा मिला था क्या? बाबा इसको तो यह भी नहीं पता होगा कि पिस्तौल की नली कहां होती है, उसका ट्रिगर कहां होता है। क्यों भाई, पता है ट्रिगर को अंगूठे से दबाते हैं या घुटने से? बाबा के साथ जाएगा, फोड़ दूंगा। क्या फोड़ दूंगा? वाह, मेरी काबिलियत पर आप लोगों को इतना भरोसा होगा ये मुझे पता नहीं था। मेरा हौसला बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाबा बुरा मान गया बेटे, सनी को साथ ले जा। जाओ सनी, फौरन गाड़ी निकालो। यस अंकल। अब एक गधे पहली बार धंधे पे जा रहा है, अंकल के पैर तो पड़ के जा। ओ अच्छा, रहने दे, लेकिन बाबा के साथ साये की तरह रहना, समझा? यस अंकल। जाओ, चलता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। बाबा ये मेरी गन साथ ले जा, अगर उस कानिये ने जरा भी 3-5 की तो। हेलीकॉप्टर में आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, होशियार रहना। नवाब नहीं आया? दरगाह गया है। किस्मत, धंधे की बात कर लें? उससे पहले मुझे एक बात साफ कर लेने दो। क्या? मैंने तुझसे कहा था कि मेरे भाई को बीच में मत लाना, फिर भी तूने उसके लिए पकिया को सुपारी दी। हाँ, तूने भी तो मेरे भाई पर हाथ उठाया। तेरे मेरे भाई में बहुत फर्क है कानिया, मेरा भाई हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं, तेरा है। लड़े ला पैसा। कितनी अजीब बात है, मुझे अपनी प्लेटें खरीदनी पड़ रही हैं। इन पर अंकल का भी हक था। हक उसका होता है जिसका कब्जा होता है, अब ये मेरे कब्जे में है। किस्मत, धोखा करता है? हाँ? मेरे बाबा नहीं, चारों तरफ पुलिस आ गई है, इस हरामजादे को बाद में देख लेंगे बाबा। चल बाबा। कहीं ये तेरी चाल तो नहीं? अगर ये मेरी चाल होती तो मैं आपके साथ क्यों आता, मरने के लिए? ठीक है, बाबा चलो, अली को भाग। भाग यहां से, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है, तू भाग यहां से। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो बाबा, भाग सनी, भाग। लेकिन बाबा
तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर ना हो जाए। अंकल, मैंने आपको पहले ही कहा था, इस हरामजादे को मत भेजो, वहां मेरा दोस्त फंस गया होगा और ये हिजड़ा ढूंढ रहा होगा पिस्तौल में गोली कहां डालते हैं सुअर। अंकल, अंकल मेरा कोई कसूर नहीं है, बाबा ने खुद मुझसे कहा भाग जाने को। अंकल मैं सच बोल रहा हूं, अंकल मेरी बात का यकीन कीजिए। अंकल को क्या बोलता है, अंकल को क्या बोलता है, मुझे बोल, बोलना मुझे। अबे हिजड़े, बाबा ने तेरे को भागने को बोला और तू भाग गया? हरामजादे है तो उसकी शराफत थी कि उसने तुझे भागने को दिया। घास खाता है क्या तू? भागा क्यों तू वहां से? तेरा फर्ज था कि तू वहीं रुकता। एक बाबा के लिए तुझ जैसे हजारों सनी कुर्बान है, याद रख। अंकल ये सब कानिया की साजिश है, साला खुद तो भाग गया, मुझे यहाँ पर फंसा गया। कानिया को ये डबल क्रॉस बहुत महंगा पड़ेगा। नवाब बेटे तुम फिक्र ना करो, मैंने आदमी भेज दिए हैं ये मालूम करने के लिए कि कानिया इस वक्त कहाँ होगा। अंकल मुझे पता है कानिया कहाँ होगा। नवाब किसी को साथ ले जा रहे हो? अब किसको साथ ले जाऊं? बाबा के बगैर तो ये नवाब वैसे ही आधा हो गया है, लेकिन ये आधा नवाब भी कानिया को बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। दिन से आप सोए नहीं, सो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। सो जाओ, सो जाओ। ओ, आएगा नहीं मेरे सपने में मेरा छोटा भाई? डर लगता है नींद से मुझे, वो आएगा। वो मेरे सपने में आएगा,
मेरे को बोलेगा नहीं? दादा नवाब अभी तक जिंदा है? ये दादा तो हिजड़ा है, है? गुलाम दादा हिजड़ा नहीं है। मुझे नवाब चाहिए, चाहिए, चाहिए। अल्लाह के नाम पे अल्लाह बेटे लाख में सखी रखे नवाब भीख क्या देता है? भीख तो अब तू मांगेगा। मेरी दूसरी आंख था, तूने छीन लिया है उसे। मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू रोज मरेगा और गुलाम की मौत को याद करेगा। मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू हर काम के लिए बेकार हो जाएगा, जिएगा लेकिन रोज मरने की दुआ मांगेगा। मैं तुझे अपाहिज बना के इन भिखारियों की कतार में बिठा दूंगा। मेरे गुलाम को मारा है तूने, मैं तेरी टांगे काट दूंगा। ये नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। ये सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए अंकल। बाबा कहीं पुलिस के सामने अपनी जबान ना खोल दे, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई गारंटी तो होनी चाहिए ना, और वो गारंटी है उसकी माँ। मैं बाबा को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मर जाएगा लेकिन अपनी जबान नहीं खोलेगा। अंकल आप नहीं जानते, आजकल पुलिस के पास मारपीट के अलावा और भी तरीके हैं जिससे मजबूत से मजबूत मुजरिम भी टूट जाता है, और फिर हम उसकी माँ को तकलीफ तो पहुँचा नहीं रहे, सिर्फ उसे गारंटी के तौर पर अपने पास रखेंगे। उधर बाबा जेल से रिहा होगा, इधर हम उसकी माँ को छोड़ देंगे। तुम तो सिर्फ मेरे भतीजे हो सनी, लेकिन बाबा मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। मैं ये सुलूक उसके साथ हरगिज नहीं कर सकता। फिर तो तेरा मरना ही ठीक है बुड्ढे। सनी चुप। बहुत सुन लिया मैंने तेरे को, बहुत। कन्या के साथ सौदा करने के वक्त पुलिस को मैंने खबर की थी ताकि बाबा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। नवाब के हाथों कानिया के भाई को मरवा कर उसकी ताकत को भी कम कर दिया। और फिर नवाब भी गया। आज मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं है। आज से बादशाह मैं हूं। I am the king! इसके लिए दुआएं मांग रही हो मां? तेरे लिए और बाबा के लिए। बाबा के लिए क्या मांगा? लंबी उम्र और खुशी।
ताकि वो और जम कर सके। माँ क्या बकवास कर रहा है, होश में तो है? ये देख माँ, अब बोल, मांगेगी और दुआएं? हाँ मांगूंगी। माँ बाबा चोर है, मैं एक चोर का भाई और तुम एक चोर की माँ हो। नहीं मेरा बाबा चोर नहीं। और तू तो एक माँ है, आदर्श है, तू ही इस तरह जुर्म की पैरवी करेगी तो इस देश का क्या होगा? मैं जुर्म की नहीं, सिर्फ अपने बेटे की पैरवी कर रही हूँ। एक माँ के लिए उसका बेटा ही उसका देश होता है। तुझे अपने देश की पड़ी है ना, तो जा कह दे अपने देश से कि वो हर माँ को ये हक दे कि अपनी संतान को भूखा मरता देखने के बजाय वो उसका गला घोट दे। दुनिया में नया बदमाश कौन आ गया? एक नया लौंडा है जिसके सर पर ईमानदारी का भूत सवार है। नाम? इंस्पेक्टर अविनाश। इंस्पेक्टर अविनाश बाबा का छोटा भाई इंस्पेक्टर अविनाश। पहले बड़े ने हैरान किया, अब छोटा परेशान कर रहा है। Thank you.
तू तो अभी है बाबा का छोटा भाई, फिर क्या का पंगा। अरे चल यार तू भी अपना हिस्सा ले ले। अरे बाबा का भाई अपना भाई यार। मैं इंस्पेक्टर अविनाश हूँ, बाबा का छोटा भाई नहीं, बाबा मेरा भाई नहीं, 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 नहीं। ये सब क्या है, तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। इसे ड्यूटी कहते हैं? अरे तुमने तो तकरीबन सबको मार ही डाला था, वो तो उनके नसीब जो बच गए, और वो जाली नोट जो जब्त करने चाहिए थे वो तुमने जला दिए। अगर इंक्वायरी बैठ जाती तो अब तक सस्पेंड हो गए होते। तुम्हें ये ड्यूटी लिए जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं और ये तेवर? अरे तुम ड्यूटी कर रहे थे या तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ गया था? उन्होंने मुझे घूस देनी चाहिए सर, मेरे भाई का नाम लेके मुझे खरीदना चाह। मैं अपने भाई से नफरत करता हूं। I hate my brother.
पूजा पूजा, तेरे दिन में ख्वाब देख रही हो। क्या करूं, हकीकत में तो नजर आते ही नहीं, इसीलिए ख्वाबों में देखना पड़ता है। अरे वाह, देर से तुम आए, नाराज मैं हूँ और मुंह सजाकर बैठे तुम हो। चलो एक बार मुस्कुरा तो दो ना, प्लीज वन स्माइल, कम ऑन ना, एक बार प्लीज। पूजा तुम कितने बदल गए हो अभी, पहले तुम मेरे पीछे भागा करते थे, अब चोरों और बदमाशों के पीछे भागते हो। वो मेरी ड्यूटी है। ये क्यों नहीं कहते कि अब ड्यूटी ही तुम्हारी पूजा है। चलो पूजा घर चलें। कैसा है तू? ठीक हूँ। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। पूजा तुम अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। मगर अभी पूजा तुम अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। अभी तक नाराज है छोटे? अपने जुर्म की सजा तो मैं काट के आया हूँ। एक मुजरिम होकर जेल में कुछ साल गुजार लेना आसान है, मगर मुजरिम का भाई होकर जेल के बाहर जीना तिल तिल मरने के बराबर है। आप खुश नसीब है, आपकी सजा खत्म हो गई, मेरी नहीं। मैंने सोचा मैं घर आया हूं छोटे। घर? आपने घर रहने का दिया, मां के साथ साथ घर भी चला गया। जिन्होंने हमारी मां को मारा है छोटे, उनको ये सारा शहर भी मिलके नहीं बचा सकता। एक पुलिस ऑफिसर के सामने आप किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। एक भाई के सामने तो दे सकता हूं। कैसा भाई? सिर्फ खून के रिश्ते से कोई भाई नहीं हो जाता, भाई का आदर्श होता है मुजरिम नहीं, भाई राम होता है रावण नहीं। तेरे मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा छूटे, तू सचमुच बड़ा हो गया है। लेकिन छोटे, जब अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई के प्यासे होंठ हो और भूख से तड़पता पेट हो, तो फिर रामायण याद नहीं रहती, नहीं रहती छोटे। आज से हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं जाता हूं। अरे अरे बाबा, अरे खुश आमदीद। 3 साल से तू कादर भाई के खाने को तरस गया होगा, नहीं? बोल आज क्या खिलाऊं? कुछ नहीं कादर भाई, मैं घर से खा के आया हूं। घर से खा के आया? तेरी शक्ल में साफ लिखा है कि तू क्या खा के आया है। जिल्लत के अल्फाज, अपमान के शब्द, धितकार का रवैया, यही खा के आया ना? कादर भाई ये नवाब कहाँ है? जिस भाई के लिए तूने घर छोड़ दिया, उस भाई ने आज तुझको छोड़ दिया है। कादर भाई मैं पूछ रहा हूँ कि नवाब कहाँ है? चल बाद में पूछना, पहले चल के चाय पी ले। कादर भाई आप जानते हैं कि नवाब के बिना ना मैं कुछ खाता हूँ ना पीता हूँ, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं कि नवाब कहाँ है? नवाब, अगर तेरे कानों में ताकत है तो सुन, पर अगर तेरी आंखों में हिम्मत है तो जा और अपनी आंखों से देख कि नवाब किस हाल में है। क्या Thank you.
कानिया का था। हाँ बाबा, कानिया ने धोखे से तुझे फंसा दिया, तेरा पता लेने मैं गया, मैंने एक एक को नहीं छोड़ा बाबा, कानिया तो नहीं मिला लेकिन कानिया के भाई को मैंने मार डाला और फिर उन लोगों ने मेरी टांग काट दी। और अंकल का क्या हुआ? सनी, अपने अंकल को मारकर सनी बॉस बन गया बाबा। और तू जानता है जिन गाड़ियों में हम घूमते थे उन्हीं गाड़ियों को इन्हीं हाथों से 3 साल से मैं साफ कर रहा हूं बाबा, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन तू आएगा और उन हरामजादों को हम दिखा देंगे कि इस जुर्म के जंगल के शेर बाबा और नवाब है। नवाब चल। कहां बाबा? कानिए से तेरी टांग वापस लेने। बोलो क्या चाहिए? नवाब की टांग। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि उस दिन तुझे जिंदा छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ टांग काटी थी तेरी मैंने। मेरे भाई को मारा है तूने, तुम दोनों की जान लेकर भी मेरे भाई की मौत का बदला पूरा नहीं होता, समझा? गलती तो मुझसे हो गई, तू बच गया, वरना अभी को मरवाने की कोशिश और मेरे दोस्त को धोखा देकर गिरफ्तार करवाने का बदला तू और तेरा भाई अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। अभी का बदला तुम लोगों ने पक्के से ले लिया, बाकी सौदा था धोखा नहीं। सौदे का तो बहाना था, तुम मुझे और नवाब को पकड़वाना चाहता था। किस्मत कि तुम दोनों ही बच गए, इस बेकारी की तो सिर्फ टांग गई और तू जेल से सजा काट के वापस आ गया। अबे अपनी सजा तो मैं माफ कर सकता हूं लेकिन मेरे दोस्त की टांग की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कानिया। कीमत? कितनी कीमत चाहिए इसकी टांग की? 5 लाख, 10, 20?
दिया। डन। 40 लाख देता हूँ तुझे अभी, मुझे इसकी दूसरी टांग भी दे, इस हरामी की दूसरी टांग भी काट के ला, लाश की टांग तेरी। मेरी जगह पे मेरे आदमियों के सामने तू मेरे ऊपर बंदूक तानता है, उल्लू समझता है क्या? चल अभी बंदूक फेंक दे, नहीं तो लंगड़े की खोपड़ी भी उड़ा दूंगा। चल फेंक 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 साले। ये मुझे जेल भेजने के लिए, अभी भाग 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 भाग। नवाब गोली चला, नवाब गोली चला। नहीं नवाब, नहीं नवाब शूट। नवाब जाने दे मुझे। गोली चला, मार डाल साले को। देख मुझे कानिया, आँख खोल कानिया, आँख खोल कानिया, आँख खोल, खोल अपनी आँख और अपनी मौत को देख कानिया। नवाब शूट, आँख खोल कानिया। किस्मत, कादर भाई है? मुझे पूछने कोई आया था? यहाँ बीच में भी कोई नहीं आया। कौन आ सकता तुझे पूछने के लिए? कोई भी नहीं। मैं जानता हूं तू किसकी बात कर रहा है। वो नहीं आई थी, नहीं आई। अरे कादर भाई, आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, आइए ना प्लीज, बैठिए। शुक्रिया, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था ना, इसलिए मिलने चला है। होटल में सभी लोग याद करते हैं तुम्हें। होटल कैसा चल रहा है? चल रहा है बिना रूह बिना आत्मा के चल रहा है। दिल करता बंद कर दूं धंधे को, भी साले को। बाकी सब लोग कैसे हैं होटल में? बाकी कौन? बाबा के बारे में पूछ रही हूँ। मैं बाबा के बारे में क्यों पूछूंगी? अगर बाबा के बारे में नहीं पूछ रही हो तो तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए। बाबा ने जिंदगी में अपने लिए एक ही चीज की है, वो है प्यार। बाकी तो वो औरों के लिए जिया है, माँ के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए, जिसने जो मांगा उसको दे दिया।
अपने लिए उसने सिर्फ एक ही तोहफा जमा किया था और वो है निशा। आप एक खूनी की पैरवी करने आए हैं? खूनी? और बाबा? अगर बाबा खूनी है तो दुनिया की हर माँ खूनी है। वो माँ खूनी है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस सांप का सर कुचल डालती है जो उसके बच्चे को डसना चाहता हो। बाबा की जान है अभी, और उस अवी की जान पाकिया लेना चाहता था और मजबूरन बाबा ने उसका खून कर दिया। उसने अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए जिंदगी में पहली बार खून किया। अवी को पुलिस एकेडमी में भर्ती करने के लिए उसने जिंदगी में पहली मर्तबा सुपारी ली। ऐसे ही पहली मर्तबा करते 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 जिंदगी में बहुत दूर चला गया, और इतनी दूर निकल गया कि उसको अपना आप भी नजर नहीं आने लगा। उसको जिंदगी ने कभी दूसरा मौका नहीं दिया। दूसरा मौका तुम दे सकती हो बेटी, हाँ तुम। वो लौट आएगा, वो अपनी दुनिया में लौट आएगा। अगर तुम उससे प्यार करती हो, अगर उसकी जिंदगी चाहती हो, उसे कभी भुलाना नहीं। मैं जानता हूं तुम उसे बहुत प्यार करती हो। चलो बेटी, चलो चलो बाबा के पास। मैं एक आदमी का पता ढूंढ रही हूँ, क्या आप बता सकते हैं? मैं शहर में अजनबी हूँ। शायद आप उसे जानते हो। एक दिन वो मेरी कार लेकर गायब हो गया था और एक दिन बाद खुद आकर वापस कर गया। जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकता। मेरे ही दुकान के सारे फूल खरीद कर मुझे ही पेश करना चाहता था। बरसों पहले मैं उस आदमी को जानता था, लेकिन अभी पता नहीं। उसके बदन पे वहाँ एक चोट का निशान है जो बचपन में अपने छोटे भाई के लिए पतंग लूटते हुए उसे लगी थी। उसके बाद भी उसे कई चोटें लगी, कई लोगों से चोटें खाई। शायद उन चोटों के निशान आपको दिखाई नहीं देंगे। देखिए, मुझे उस आदमी से मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें इतनी नरम और मुलायम है कि लिहाफ की तरह उन्हें उड़कर सो जाने को मन करता है, और उसकी बाहें इतनी लंबी है कि सात समुद्र पार से भी आकर मुझे छू सकती है। और उसके होंठ इतने गहरे हैं कि उनको चूमने में पूरी उम्र गुजर सकती है, क्योंकि उसने अपने लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, और वो है निशा। I miss him. कहीं उसका नाम बाबा तो नहीं? बाबा। सर, ये कानिया की फाइल लाओ। आपने मुझे बुलाया सर? मिस्टर बागले, एक्सक्यूज अस, बैठो। अविनाश, कानिया के कत्ल के बारे में जानते हो ना? जी सर, एक और अंडरवर्ल्ड किलिंग, आपसी दुश्मनी। और नवाब नाम के हिटमैन के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, वो अंकल के लिए काम करता था, फिर कानिया के भाई को मारने के बाद वो लापता है सर। कानिया के कत्ल के दिन नवाब उसे मिलने गया था, और हमारी खबर ये है कि उसके साथ एक और आदमी था। कौन सर? बाबा, तुम्हारा बड़ा भाई। नवाब को अपाहिज करने का बदला लेने के लिए बाबा ने कानिया को मार डाला। आपको पूरा यकीन है सर? मुझे पूरा यकीन है। जेल से रिहा होने के बाद बाबा और नवाब एक हो गए, और शायद सनी के लिए काम भी कर रहे हैं।
दिस इज बैड न्यूज अविनाश, क्योंकि सारा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि बाबा तुम्हारा बड़ा भाई है। यार बाबा, कहीं से 20-25 लाख रुपए मिल जाए, ये मुल्क ही छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ? दूर, बहुत दूर। बाबा नवाब सानी, बाबा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। या नहीं, बाहर। बोलो क्या बात। आखिर तुम चाहते क्या हो? पहले तुमने मुझे मेरी मां छीनी, और क्या चाहिए तुम्हें? वो मेरी भी मां थी छोटे, उसी मां का श्राद्ध मना रहे थे तुम अपने दोस्तों के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ जो चाहूं करूं, इसकी इजाजत मैं तुमसे नहीं लूंगा। दोस्त? तो वो कुत्ता सनी तुम्हारा दोस्त है? मैं जानता हूं तुम उस सनी के लिए काम कर रहे हो। जानते हो, तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं। सनी को गुमान है कि मैं उसके साथ काम करूंगा, और तुम्हें तुम्हें यकीन है कि मैं सनी के साथ काम कर रहा हूं। तुम में और सनी में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तुम मुझे उस सनी के साथ खड़ा कर रहे हो, उस आदमी के साथ? खबरदार जो बाबा को हाथ लगाया। एक बीच में मत पड़ लग रहे, वरना ही खोपड़ी फोड़ूंगा। तू मुझे जो चाहे कर ले, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तूने मेरे दोस्त के साथ कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। छोटे, तेरी इस हरकत के जवाब में ये तेरी जान ले लेता अगर मैं इसका दोस्त नहीं होता। मैं, और इसके सर पर पिस्तौल रखने के जवाब में मैं तेरा खून पी जाता अगर तू मेरा भाई नहीं होता। बाबा, ये शहर छोड़ के चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे इन दोस्तों का जीना हराम कर दूंगा। लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर भागना बाबा की फितरत नहीं, चाहे वो लड़ाई दुश्मन के साथ हो या अपने भाई के साथ। चल नवाब, चल। बर्थडे, मैंने विश किया, कम से कम थैंक यू तो बोलो। मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। कम ऑन, चलो केक काटते हैं। प्लीज पूजा, देखो पूजा, इस वक्त मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं, मुझे ये सब बर्थडे वर्थडे का बचपना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और मेहरबानी करके मुझे तुम अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं कुछ अर्ज करूं? बुजुर्गों का कहना है कि जब जिंदगी की गाड़ी इश्क के प्लेटफॉर्म पर जाकर अटक जाए तो उस गाड़ी में थोड़ा सा शादी का पेट्रोल डाल देना चाहिए तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है तुम दोनों शादी कर लेनी चाहिए फटाफट। क्या बात कर रहे हैं कादर भाई, कहाँ शादी के चक्कर में फंसा रहे हैं? चक्कर? शादी चक्कर है? हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता बेवकूफ है जो शादी करती है। आप ही एक सियाने जो आसमान से उतरे। और शादी के बाद जो प्रॉब्लम है उसका? शादी के बाद क्या प्रॉब्लम? हनीमून का। ओह, क्या प्रॉब्लम ढूंढ के लाया यार, तेरे को तो 5 रुपए इनाम देना चाहिए।
मिलना शाम को। अभी हनीमून मनाना तो होटल बंद करता हूँ, ये मना ले। बाबा मैं दूं आईडिया आपको। हाँ बोल। बाबा कल्याण के पास एक छोटी सी पहाड़ी है, उधर एक खोली है, क्या रोमांटिक जगह है। अपने हाथों से 3 मारवाड़ियों को उस खोली में दफनाया था। इससे अच्छी जगह हनीमून के लिए नहीं मिलेगी। अरे बाबा हनीमून के लिए तिहार जेल से अच्छी जगह तेरे को कहाँ मिलेगी। मेरा मतलब है अंदर नहीं, तिहार जेल के पीछे एक ढाबा है। अरे चुप, ढाबा भी कोई हनीमून मनाने की जगह है। बाबा आपन तुमको बोलता है, गोवा में एक होटल है, होटल हनीड्यू। आपन ने उधर डाका डाला था, क्या होटल है। अबे उल्लू के पट्टे, ये लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं, को खून करने नहीं जा रहे हैं। मून में और खून में बड़ा फर्क होता मालूम नहीं है। बाबा तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। लड़की? नमस्ते। हाय। हाय। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जरा आर पार को खाने का ऑर्डर दे के आता हूँ। बोलो क्या बात है, अभी ठीक तो है ना? नहीं, आपका भाई ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? आप ये शहर क्यों नहीं छोड़ देते? जब तक आप यहाँ रहेंगे अभी जलता रहेगा। क्या आपसे अभी का जलना बर्दाश्त होगा? तुम क्या चाहती हो, कि मैं अपने माँ के कातिलों को यूं ही छोड़ दूं? वो काम तो अभी भी कर सकता है, वो पुलिस ऑफिसर है, ये उसकी ड्यूटी है। किसका क्या फर्ज है ये हम सब समझते हैं पूजा। अभी को अपने भाई पर यकीन नहीं है? और अभी के भाई को अभी के जज्बा की कदर है? ये दोनों भाइयों का टकराव है पूजा, मुझे या तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी से प्यार करती हूँ और मैं बाबा के लिए जीती हूँ। निशा मैं तुम्हें इस तरह जलील होते हुए नहीं देख सकती, और मैं अभी को इस तरह जलते हुए नहीं देख सकती। मुझे अफसोस है, ये अपने जेठ के सामने से मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। जाकर कह देना अभी से कि उसको ऊंचा रखने के लिए आज भी उसका भाई उसके कदमों में अपनी लाश बिछा देगा। बाबा एक मिनट, सनी ने बुलाया। कह दो कि बाबा नहीं है। मैं चाहता हूं तुम खुद उससे बात कर लो। लो बात करो। हेलो बाबा, मेरे पास आ जाओ। क्यों? नवाब अब मेरे पास है, उसकी खातिर आ जाओ। नवाब? ठीक है मैं आता हूं। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी दुनिया? किस लिए बुलाया मुझे? देखो बाबा, हमारी तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, हालांकि तुम्हारा ये दोस्त हमें उल्लू का पट्टा, कुत्ते की औलाद, कमीना, न जाने किन किन प्यारे शब्दों से पुकारता था, याद है ना? लेकिन बाबा मैं ये सब बातें भूलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं और आज मुझे तुम दोनों की जरूरत है। क्यों, क्या बात है? बाबा तुम सोना हो और तुम्हारा ये दोस्त चांदी, और तुम दोनों मिलकर हीरों की खान हो। बाबा जाली नोटों के धंधे में मेरा काफी नुकसान हो गया है, मेरा काफी माल वापस भी आ गया है, और जानते हो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे पास बाबा और नवाब नहीं थे। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए काम करो, और इस काम के लिए मैं तुम्हें 10% देने के लिए तैयार हूं। 50% तो अंकल से मिलता था, तब तुम्हारी दोनों टांगे सलामत थी और बाबा जेल नहीं गया था। 40% 30% 35% डन, लेकिन इस 35% का 5% एक पुलिस ऑफिसर को जाएगा। पुलिस में भी हमारा एक आदमी होना चाहिए। पुलिस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है सनी। नहीं, अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं होगा तो ये सौदा नहीं होगा। कौन है वो ऑफिसर? सौदा कोई बुरा नहीं था,
साले को आज नहीं तो कल 35 के 50 करना ही पड़ते, हम दोनों फिर से धंधे में आ जाते। बाबा और नवाब का जवाब नहीं है किसी के पास। मैं तुझसे कह चुका हूँ नवाब कि मैं सनी के लिए काम नहीं करूंगा। इसमें बुरा क्या है बाबा, कल तक जो हम लोग अंकल के लिए करते थे आज सनी के लिए कर लेते। वो हरामजादा उल्लू का पट्टा आज तेरा बॉस बन गया है नवाब। उस हरामजादे के लिए कौन लौटना चाहता है बाबा। बाबा मैं हमारी बात कर रहा था। तेरे बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फैसला मैं तुझे सुना चुका हूं नवाब। ये तेरा मेरा क्या होता है बाबा, हमारे बीच हर फैसला हमारा होता था। फैसला हमारा होता था लेकिन कीमत सिर्फ मैंने चुकाई है नवाब। मेरी मां, मेरी मोहब्बत सब छिन गई मुझसे, एक भाई रह गया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। और मैं बाबा, मैं तेरा कुछ भी नहीं। तू तो मेरी जान है नवाब, लेकिन तू तो जानता है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। कहां जा रहा है नवाब? अब तेरे रास्ते में मेरा घर नहीं पड़ता बाबा। मैं समझता था नवाब कि कोई समझे या न समझे तो मुझे जरूर समझेगा। तेरे पास तो भाई था, मां थी, निशा थी, सब कुछ था, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर भी कभी मैंने अपने आप को अकेला नहीं समझा, क्योंकि तू मेरे साथ था, तू ही मेरी दुनिया थी बाबा। तू समझता क्यों नहीं नवाब, मेरी दुनिया मेरा भाई है। भाई एक इत्तेफाक होता है बाबा, एक खून का रिश्ता होता है जिसे हम चुनते नहीं, हमें कबूल करना पड़ता है। लेकिन दोस्त हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से। हम दोनों ने एक दूसरे को चुना था बाबा, और आज तूने अपने भाई को चुन लिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन यही लंगड़ा दोस्त तेरे काम आएगा बाबा। मुझे क्यों बुलाया? होशियार करने, सनी तेरे लिए जाल बिछाएगा, संभल के रहना। मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। तेरी जिंदगी खतरे में है छोटे, सनी बहुत ही खतरनाक आदमी है। मुझे ना ही किसी धमकी का डर है और ना ही किसी चेतावनी की जरूरत, मेरी जिंदगी मेरी है। ये बच्चों का खेल नहीं है छोटे। मैं बच्चा नहीं हूं बाबा, क्योंकि आज मेरे सामने कोई बड़ा नहीं। लेकिन तू मेरा छोटा भाई है। मैंने तेरे लिए सब कुछ गवा दिया अभी, और आज अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं लाशें बिछा दूंगा। ये शहर देखा है? Thank you.
कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी सने। कीमत? तेरा भाई मेरे आदमियों के सामने मुझे जलील करके चला गया और तू भी मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कीमत तो तेरे को चुकानी पड़ेगी ना। बाबा से कहना ये जंग का ऐलान है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके पाप मेरे अभी को लगे हैं। अब वो कभी नहीं बचेगा, कभी नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा अभी को। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। कादिर भाई, कुछ नहीं होगा ना अभी को? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, खुदा पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। कादिर भाई, डॉक्टरों का कहना है कि अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक वो बेहोश है। मैंने कहा था ना। कदर भाई, आप अभी और पूजा का ख्याल रखिए, मैं भी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? अभी का मान सम्मान और ओहदा वापस ला दे। अभी कैसा है? अब तो ठीक है, मगर अंदर जाने से मना किया है। यह है वो प्लेट्स पूजा जो मैं सनी के अड्डे से लाया हूं। इससे अभी की वर्दी पर लगे हुए दाग मिट जाएंगे और वो फिर अपना सर उठाकर चल सकेगा। ये लो और उसे कह देना कि उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है। बाबा, आज मुझे मत रोको निशा, ये मेरी आखिरी लड़ाई है। एक भाई का कर्ज तो मैंने चुका दिया है, एक दोस्त का कर्ज बाकी है जो मुझे चुकाना है। नहीं रोकूंगी, मगर इतना तो बता दे जाओ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगी मैं? बाबा, मुझे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं। मेरा एक ही रिश्ता है तुमसे, तुम ही मेरी जिंदगी हो पापा। पापा, निशा, आज से तुम मेरे परिवार का एक हिस्सा हो।
मुझे पता नहीं कि मैं वापस लौट कर आऊंगा या नहीं, लेकिन अगर लौट कर नहीं आया तो अभी और पूजा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सर वो अभी अभी कैसा है? अब ठीक है बाबा, चल। मैंने सनी को फोन कर दिया था कि आकर अपनी प्लेट्स ले जाए। जानता है आज तेरा दरगाह जाने का दिन है। हाँ मालूम है। तो फिर गया क्यों नहीं? एक बार गया तो था तुझे अकेला छोड़कर। क्या हुआ? तू भगवान को नहीं मानता? हाँ मानता हूं, मेरे लिए मेरा दोस्त ही मेरा भगवान है। तू पागल हो गया क्या? तू क्या शंकर भगवान से कम है? उसने भी दूसरों को अमृत बांट दिया था और सारा जहर खुद पी गया था। लगता है तुझ पे भोलेनाथ की बूटी चढ़ गई है। बाबा वैसे जिंदगी कोई बुरी नहीं बीती, तेरे जैसा दोस्त मिल गया, सब कुछ मिल गया। नवाब सनी आ रहा है। नवाब कहाँ है? क्या बात है, आज अचानक नवाब की बड़ी याद आ रही है? पैसा? प्लेट्स? पुलिस के पास। तुम क्या समझते हो कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि ब्रीफ केस के अंदर रुपए लेकर आऊंगा? मैं जानता था कि तुम दोनों मुझे जरूर धोखा दोगे, इसलिए मैंने ब्रीफ केस में रुपए की जगह बॉम्ब रख दिया था। खोलो खोलो, जैसे ये ब्रीफ केस खुलेगा तुम एक कहानी बन जाओगे। क्या कर रहा है बाबा, मौत को गले लगाना चाहता है? जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त जब मौत की उंगली पकड़कर भाग जाए। क्यों? अल्लाह के करम से और तेरे भाई की दुआओं से तेरी जान बच गई। अभी नहीं कादर भाई, मेरा हर जख्म बाबा के गुनाहों का हिसाब है। नहीं अभी, ये तेरी गलतफहमी है, ये सनी का इंतकाम है, वो तुझे चोट पहुंचाकर बाबा से बदला लेना चाहता था। हाँ अभी कादर भाई ठीक कह रहे हैं, अपनी जान को दांव पर लगाकर बाबा ने तुम्हारे लिए ये प्लेटें हासिल की है। बाबा कहाँ है? सनी से तेरे एक एक जख्म का हिसाब लेने गया है। आज अगर बाबा ना होता तो अभी तू भी ना होता। तुझे जब भी जरूरत पड़ी तो बाबा हमेशा तेरे लिए मौजूद रहा, मगर अभी आज बाबा को तेरी जरूरत है, तेरी। सनी ने जंग का ऐलान किया था कादर भाई, मेरा भाई ये जंग अकेले नहीं लड़ेगा। We'll be right back.
चल बाबा। नहीं नवाब, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। ये बैग तेरा है, ये पैसे तेरे हैं, और कल तेरा है। तू जा, मैं तुझे मिलूंगा, जा। नहीं बाबा, मैं तेरे बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगा। नवाब, हम दोनों में से एक जा सकता है, तू या मैं। तू जा नवाब, जा। नहीं बाबा। तुझे मेरी कसम नवाब, जा। ये लड़ाई तेरी मेरी थी सनी, तूने मेरे भाई को हाथ क्यों लगाया? जवाब चाहिए? जवाब मैं तुम्हें कभी फुर्सत में दूंगा, फिलहाल मैं जरा जल्दी में हूं, और अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा ये इंस्पेक्टर भाई अपनी जान से जाएगा, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम अपने इस भाई से कितना प्यार करते हो। चल मुझे जाने दे। अपने आदमियों से कह दे कि मेरे भाई को छोड़ दे, एक कदम तू चलेगा, एक कदम मेरा भाई चलेगा, और अगर कोई गड़बड़ की तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। अब इंस्पेक्टर, तुम दो कुत्ते भाइयों को भी मैं वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने सिसकाते, रुलाते, तड़पाते तुम्हारी बुढ़िया मां को मारा।
बाबा को। देखो सर छोटे, किसके लिए लड़ा है वो? अपने आप के लिए नहीं लड़ा है वो, मेरे लिए नहीं लड़ा है वो, तेरे लिए लड़ा है वो छोटे, तेरे लिए लड़ा है वो छोटे। देखना होता छोटे, छोटे नवाब। तू हार गया बाबा,
तू हार गया, मैं जीत गया। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूं, अपने पैसे, अपने दबदबे, अपने बल से मैं तो छूट जाऊंगा। लेकिन तेरा क्या होगा मेरे दोस्त, तेरा क्या होगा? आई एम द किंग, आई एम द किंग, आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर, इधर, इधर, आई एम हियर। हमारी मां के हत्यारे को यूं ही जाने दोगे भाई? कुर्बानियों को जलील नहीं कर सकता, अभी मेरी गिरफ्तारी में ही हम दोनों की रिहाई है। हाँ अभी चल, ले चल मुझे।